फ्लड, बाढ़, नहीं इसका मतलब है बाढ़, बाढ़, बाढ़ जो है वो एक आपदा के रूप में रखा जाता है। बाढ़ है क्या? तो जब नदी जल स्तर ऊंचा हो जाता है, जब नदी का जल स्तर ऊंचा हो जाता है तो वह अपने तटबंधों को तोड़कर बाहर निकल जाता है, फैल जाता है, तो उसे बाढ़ की संज्ञा दी जाती है। तो उसे बाढ़ की संज्ञा दी जाती है। देखेंगे बिहार में, भारत में तो बाढ़ के संदर्भ, बिहार के संदर्भ में पढ़ना है आपको, भारत के संदर्भ में नहीं आता है, टूट मुट के पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर बिहार पढ़ रहे हैं तो भारत को लिख देंगे, लेकिन भारत से आएगा नहीं, बिहार से आएगा कि बिहार में बाढ़ बार बार आती है। देखेंगे कि बिहार में बाढ़ का कारण क्या है, क्वेश्चन आएगा। बिहार में बाढ़ का प्रभाव क्या है, बिहार में बाढ़ का कौन कौन क्षेत्र है, और इसके लिए बाढ़ से निपटने के लिए बिहार सरकार ने क्या किया है, प्रयास क्या की है, यही क्वेश्चन बनता है। देखिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख करें तथा बाढ़ के, मतलब बिहार में बाढ़ के कारण एवं प्रभाव पर प्रकाश डाले डाले बाढ़ नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करें। यही प्रश्न बनेगा। देखेंगे इसमें चार तरह का प्रश्न है, पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ के कारण, प्रभाव और उठाए गए चार भाग। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार के 73% क्षेत्र में बाढ़ आता है। बाढ़ बिहार में बार बार आती है हर वर्ष, क्योंकि यहां नदी है। देखेंगे इसमें कौन कौन क्षेत्र है, एक मैप बना देते हैं बिहार का है? हाँ तो उसी का मैप बना देते हैं, पहले मैप बना देते हैं। देखेंगे हम इसको तीन भागों में बांटते हैं, अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मध्यम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र निम्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्र।
क्षेत्र। आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, नहीं कोसी का बेल्ट टोटल है, सीतामढ़ी से पकड़ करके टोटल जो है अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, किशनगंज तक, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, इस साइड में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, मध्यम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया, देखेंगे ये पश्चिम चंपारण का भाग, पूर्वी चंपारण का भाग, फिर देखेंगे सिवान, छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर साइज में हो गया। यानी पूरा उत्तर बिहार बाढ़ प्रभावित है, ज्यादा उधर ही है। अब देखेंगे, अब निम्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देखेंगे, ये है पर्सन, ये भी क्षेत्र है कुछ सोन वाला, पुनपुन वाला नहीं, अच्छा वो भी कोई बात नहीं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हो गया गंगा नदी, बाकी जगह बाढ़ नहीं आता, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया, काम खत्म। अब हम इसमें लिख देंगे नाम, जो 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 है उसका नाम लिख देंगे, आ जाएगा। दूसरा है बाढ़ के कारण क्या है, तो देखेंगे बाढ़ मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से आता है, लेकिन कुछ बाढ़ जो है मानवीय कारणों से भी आती है। तो बिहार में प्राकृतिक कारण क्या होगा, वर्षा जल, मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा के कारण बाढ़ आती है। एकाएक दो से तीन महीने में अधिक जल स्तर नदियों का बढ़ जाता है, इतना जोरों से बारिश, अब तो मानवीन हो गया नेपाल वाला, वो तो बांध छोड़ता है पानी, एक चक्रवात होता है लेकिन बिहार में चक्रवात का प्रभाव नहीं रहता है, ये तटीय क्षेत्र में भारत का चक्रवात के कारण, लेकिन यहां मेन मानसूनी बढ़ता है। हा मानवीय कारण में देखेंगे क्या, नेपाल द्वारा बांध या डैम से जल छोड़ना, नेपाल द्वारा जल को छोड़ दिया जाता है, इसे एकाएक जल स्तर बढ़ जाता है। दूसरा वनों की कटाई, और नदियों में सिल्टेशन गाद, गाद का जमा होना, यही मूल कारण है बिहार में बाढ़ का। हाँ अगर वन लगेगा तो बाढ़ कब पानी को रुकेगा, रोकेगा ना, इस तरह जल फैलने से रोकेगा वन, तो ये हो गया कारण, कोई दिक्कत। अब प्रभाव, प्रभाव ऐसे भारत के संदर्भ में देखेंगे
तो चक्रवात भी हो जाएगा प्राकृतिक कारणों में, और फिर आपका ये क्या कहते हैं इसको जो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में वर्षा होती है, हाँ बादल फटना, बादल का फटना एकाएक उसे भी बाढ़ आ जाता है। आप देखेंगे प्रभाव इसका सबसे बड़ा प्रभाव आर्थिक होता है, तब सामाजिक होता है। हाँ बादल फटा, हाँ सामाजिक प्रभाव, और फिर पर्यावरणीय। भारतों के संदर्भ में ही लिखाएगा तो आर्थिक प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। पहला कि जब बाढ़ आता है तो आने से क्या होता है, फसलों का नुकसान होता है, घरों का नुकसान होता है, फसलों का नुकसान होता है, घर ढह जाते हैं, घरों का नुकसान होता है, देखेंगे पशु मर जाते हैं, बह जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे आप देखेंगे। इसके अलावा आर्थिक क्या प्रभाव पड़ेगा कि फिर पुनर्निर्माण के लिए घर बनाने के लिए पैसा देना होगा, फिर आपको देखिए फसलों के लिए उसका जो है फसल बर्बाद हुई है उसका नुकसान के भरपाई करना पड़ेगा सरकार को, फिर देखेंगे पशु मर जाते हैं उसके लिए भी खरीदने के लिए सरकार देती है, और साथ ही बांधों का निर्माण करना पड़ता है जिस पर आर्थिक व्यय अधिक होता है। लोगों का जो है लोगों के पास जो है पैसे कम हो जाते हैं, क्योंकि जब बाढ़ आएगा तो सब चीज नुकसान कर देगा, तो ये आर्थिक हानि होती है, आर्थिक प्रभाव होता है। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा कि समाज में जो देखेंगे सबसे पहला क्या कि लोग विस्थापित हो जाएंगे, विस्थापित पलायन, विस्थापित हो जाएंगे, बहुत से लोग बिछड़ भी जाएंगे, और ये लोग कैंप में रहने पर मजबूर हो जाएंगे, जहां पर सामाजिक प्रभाव पड़ेगा कि इनके आर्थिक नुकसान जब होगा तो इनकी पढ़ाई शिक्षा, शिक्षा सबसे बड़ी प्रभावित होगा, स्कूल कॉलेज बंद रहेगा 2 से 3-4 महीना, अभी भी बाढ़ क्षेत्र में बंद रहता है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, कई तरह की बीमारियां आएगी, मलेरिया हैजा बीमारी हो जाएगा, तो अधिक व्यय भी करना पड़ेगा, तो पढ़ाई पर और स्वास्थ्य पर, शादी विवाह पर्व त्योहार पर प्रभावित हो, क्योंकि फसल को बो करके ही किसान जो है उत्पादन कर बेचता है और बच्चों के जो है शादी विवाह करता है, पर्व त्योहार मनाता है, तो ये सामाजिक प्रभाव भी पड़ गया। ये चीज जीवन स्तर उनका निम्न हो जाता है, जीवन स्तर निम्न हो जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेगा, जंगल का विनाश होगा, जितने पेड़ पौधे हैं सब बह जाएंगे, उखड़ करके चले जाएंगे, विनाश होगा, जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे, जितने कीट पतंग जीव जंतु है सब विलुप्त हो जाएंगे, बाढ़ में बह कर चले जाएंगे। भूमि अपरदन की समस्या उत्पन्न होगी, बाढ़ सारा भूमि अपरदन हो जाएगा, और भूमि जो है अनुपजाऊ हो जाएगी, उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी, नदियों में गाद जमा हो जाएगा, सिल्टेशन जमा हो जाएगा, पर्यावरण जो है असंतुलित हो जाएगा, नदी के पानी से प्रदूषण हजाम हो गया, तो मलेरिया रोग मच्छर का प्रकोप बढ़ जाएगा, तो ये जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। हाँ एक और कारण बता दिए पटना का
पटना के याद ले लिए तो नगरीकरण, नगरीकरण भी बाढ़ को और नियोजित नगरीकरण। पटना में 2019 में जो बाढ़ आया वो नियोजित नगरीकरण का ही परिणाम है कि सारा सारा नाला जो है जाम हो गया, जिसके कारण जो है जल निकल नहीं पाया। तो वहां उदाहरण हम पटना का दे देंगे 2019 में नगरीकरण के कारण यहां पर बाढ़ आते रहती है, अनियोजित है, नियोजित नहीं है। बिहार की नगर इतनी भी नगर है वो नियोजित नहीं है, इसी चलते नाले में पानी भर जाता है बरसात के दिन में और वह घरों में घुस जाता है। बारिश का पानी होता है, बारिश का पानी, लेकिन वो मानवीय कारण में हो गया क्योंकि आप नाला साफ नहीं किए, जल तो भाई निकला नहीं। तो ये जो है आप देखेंगे इस कारण से और ये प्रभाव पड़ा, प्रभाव ऐसा पड़ा कि 2008 में जो कोसी क्षेत्र में बारिश बाढ़ आया था बहु जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। 2019 में भी बाढ़ आया जिसे करीब करीब 2 लाख से ऊपर लोग विस्थापित हुए हैं, सब आंकड़ा लिखाएंगे हम प्रभाव में, सामाजिक प्रभाव जो लिखाएंगे तो उसमें हम लिखाएंगे आंकड़े, कोई दिक्कत। अब है बाढ़ नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम, सबसे पहले बांधों का निर्माण करना। बिहार सरकार ने क्या किया है, तटबंध, तटबंध बनना शुरू कर दिया। देखिए पटना का भी तटबंध हर जगह कंक्रीट आधारित तटबंध का बना, और साथ ही आप देखेंगे बाढ़ सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं नदियों पर हर जिला, और फिर देखेंगे कि बाढ़ पूर्व की तैयारी की जाती है, तैयारी की जाती है बाढ़ पूर्व की, वहां पर क्या पहले से ही दवाई वाई की व्यवस्था सब कर दिया जाता है और सब कुछ खाने पीने के लिए चूड़ा घूंघ सब की व्यवस्था होती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को तैनात कर दिया जाता है, जरूरत पड़ने पर सेना भी आती है, हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है जिससे कि बाढ़ में लोगों को बचाया जाए, और राहत कैंप, राहत कैंप लगाया जाता है, राहत कैंप लगाया जिसमें खाने पीने रखने के लिए साधन दिए जाते। बिहार सरकार ये उपाय करती है। एक उपाय क्या है, 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन, राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन नियंत्रण कार्यक्रम, उन्नीस में शुरू किया गया, जो बिहार में भी लागू है। ये इसमें तीन तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए, एक त्वरित कार्रवाई, दूसरा अल्पकालिक कार्रवाई, और तीसरा दीर्घकालिक कार्रवाई। त्वरित कार्रवाई में क्या, राहत, तुरंत राहत कार्य पहुंचाया जाए, उनको बचाने का कोशिश किया जाए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के द्वारा बचाने का प्रयास किया जाए। अल्पकालिक कार्रवाई क्या है कि अब बाढ़ आने से पहले तटबंध बनाना, पदाधिकारियों की तैनाती करना, मीटिंग करना, ये सारे अल्पकालीन है, और दीर्घकालीन क्या है, तटबंध बना देना। ये तटबंध बनाना, उस पर सूचना केंद्र स्थापित करना, ये दीर्घकालीन काम जो बिहार सरकार करती है। इसी को तो पढ़ना है लिखा, कोई दिक्कत तो लिखिए, सामान्यतः बाढ़ से तात्पर्य
सामान्यता बाढ़ से तात्पर्य है क्या? अच्छा ठीक है, स्पीड कम करें। सामान्यता बाढ़ से तात्पर्य जब नदियों का जल स्तर अधिक बढ़ जाता है और वह जल अपने तटबंधों को तोड़कर बाहर की ओर बहने लगता है तटबंधों को तोड़कर बाहर की ओर बहने लगता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। बिहार में मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से आती है, लेकिन कुछ मानवीय कारणों से भी बाढ़ आती रहती है। ठीक है, अच्छा जो पैराग्राफ चेंज किया है ना, ऊपर कारक लिख दीजिए, कारण लिख दीजिए, कारण। ठीक है, कारण हो जाएगा। इसे निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला प्राकृतिक कारण, बिहार में मानसूनी वर्षा होती है, और यह अधिक मात्रा में वर्षा करती है। अधिक वर्षा होने के कारण नदी जल तटबंध को तोड़कर फैल जाता है। और एकाएक जल में वृद्धि हो जाती है। जो बाढ़ का रूप ले लेता है। क्षेत्र तो नहीं लिखा है, अच्छा कारण के बाद क्षेत्र लिखा देंगे, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, बन जाता है। दूसरा मानवीय कारण, मानवीय कारणों में मुख्यतः वनों की कटाई करने से धरातल समतल हो जाता है। वन जल को रोकता है,
लेकिन वन के अभाव में जल चारों तरफ फैल जाता है। नदियों में गाद जमा होने से भी नदी का जल तटबंध तोड़कर बाहर फैल जाता है। नेपाल द्वारा प्रति वर्ष डैम से जल छोड़ा जाता है। प्रति वर्ष डैम से जल छोड़ा जाता है जिससे एकाएक नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। पाराचिन अनियोजित नगरीय विकास होने के कारण भी बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ आती है। नालों का सही तरीके से विकास नहीं होना, नालों में प्लॉथिंग फेंक देना उसे जाम कर देना इत्यादि कारणों से जल निकल नहीं पाता है। और बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण पटना में 2019 में बाढ़ आई। जिसका प्रभाव कई सप्ताह तक देखा गया। ये हो गया। अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिहार राज्य में तिहत्तर प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। इसे निम्न मानचित्र द्वारा समझा जा सकता है। मानचित्र बना लेंगे। बनाए हैं? हाँ तो ठीक है, बना लिखेंगे। अब पहला लिखिए, एक नंबर, अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र।
यह मुख्यतः बिहार राज्य के कोसी क्षेत्र है, कोसी नदी क्षेत्र है, कोसी नदी क्षेत्र है। इसके अंतर्गत अररिया, सुपौल, सहरसा मधेपुरा मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, तथा कटिहार का कुछ क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों में बाढ़ आने का मुख्य कारण मानसूनी वर्षा का अधिक होना कोसी नदी का बार बार मार्ग बदलना नदियों में सिल्टेशन का जमाव होना नेपाल द्वारा वर्षा ऋतु में अपने डैम से एकाएक जल छोड़ देना आदि। दूसरा, मध्यम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यह मुख्यतः बिहार राज्य का पश्चिमोत्तर क्षेत्र है। जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, आदि शामिल है। यहां बाढ़ के मुख्य कारण गंडक नदी तथा घाघरा नदी और गंगा नदी के जल स्तर को ऊंचा होना है। वर्षा ऋतु में एकाएक नदियों में जल बढ़ जाता है, और तटबंध तोड़कर फैल जाता है। नेक्स्ट, निम्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। यह मुख्यतः पटना
ये पुनपुन पुनपुन कमा आरा सासाराम के सोन कमांड क्षेत्र, सोन कमांड क्षेत्र तथा क्यूल नदी, क्यूल नदी लखीसराय और भागलपुर में गंगा नदी क्षेत्र में बाढ़ आती है, आती यहां बहुत ही कम बाढ़ आती है, बाढ़ आते हैं। कारण इस क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां ही प्रवाहित होती है, जिनमें जल स्तर कम होता है, जिनमें जल स्तर कम होता है। हो गया। आगे लिखिए, प्रभाव, बाढ़ का प्रभाव, बाढ़ का प्रभाव। बोतल पर उठा ली, बोतल पीने वाला पानी, बाढ़ का प्रभाव या परिणाम भी लिखता है तो यही होगा परिणाम। बिहार राज्य में प्रति वर्ष बाढ़ आती है, जिसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है।